मैं दुखंती सिंह, शांति निकेतन जूनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जूनल से। प्रिय बच्चों, जरा ध्यान दें, कक्षा चार के बच्चे, मैं आप लोगों को नैतिक शिक्षा सामान्य ज्ञान पार्ट दो से बताने जा रहा हूँ धर्म के विषय में। किस धर्म का क्या नाम है, पहले तो आप लोग ये सुन लें। ज्ञान, ज्ञान धर्म हमें अज्ञानता और अंधकार से दूर ले जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे इसको, ये आपके जीवन में बहुत ही जीवन की बहुमूल्य चीज़ है, बहुत ही उपयोगी चीज़ है ये। आप लोग ध्यान से इसे सुन लें। ज्ञान धर्म हमें अज्ञानता और अंधकार से दूर ले जाते हैं। अपने जीवन में इसका अमल करेंगे आप लोग। ज्ञान धर्म हमें अज्ञानता और अंधकार से दूर ले जाते हैं। इससे आत्मा शुद्ध एवं पवित्र होती है। ज्ञान और धर्म, अरे भाई, ज्ञान और धर्म ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को अच्छाइयों की तरफ ले जाती हैं। इसलिए हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ये नहीं, कभी आप सुने हो कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। किसी भी वर्ग का धर्म हो, कभी वो बगावत नहीं बताता है, ये समझ लो। इसलिए हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, ये हमारा मूल कर्तव्य है। अब मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर लिख रहा हूँ, इसके विषय में मैं बता रहा हूँ, देखें। प्रश्न संख्या एक है, हिंदू धर्म का मौलिक सिद्धांत क्या है। हिंदू धर्म का मौलिक सिद्धांत क्या है, उत्तर में आप लोग देखें। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना हिंदू धर्म का मौलिक सिद्धांत है, कि आप ईश्वर की सत्ता में विश्वास करें। इसके बाद प्रश्न संख्या दो है, चारों वेदों के नाम क्या हैं। चारों वेदों का नाम, चारों वेद कौन हैं, उनके नाम क्या हैं। उत्तर है, चारों वेदों के नाम, पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तथा यहाँ पर देख लें, फिर से इसे सुन लें। चारों वेदों के नाम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, अर्थोवेद, ये चारों वेदों के नाम हैं। ये प्रश्न संख्या तीन है, इस्लाम धर्म को चलाने वाले कौन थे। इस्लाम धर्म को चलाने वाले कौन थे, आप लोग नाम से वाकिफ हैं, लेकिन मैं इसे दोहरा रहा हूँ कि इस्लाम धर्म को चलाने वाले हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन था, हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब थे। प्रश्न संख्या चार है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है बाइबल। बाइबल, बाइबल है।
प्रश्न संख्या 5 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो उसका उत्तर होगा, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। इसके बाद आप लोग, सबसे प्राचीन वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे पुराना है। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म चलाने वाले कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। इसके बाद आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे। इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? इस्लाम, ये प्रश्न है, इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन थे? इसका उत्तर सुन लें। इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय, एक शिया और दूसरे सुन्नी। शिया और दूसरे कौन थे? सुन्नी। इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय लोग हैं, पहला शिया और दूसरे कौन है? सुन्नी। याद रखेंगे इस चीज को। और इसके बाद कहा गया है, इस्लाम धर्म के पांच कर्म का सिद्धांत क्या होता है? इस्लाम धर्म के, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि हम मानव हैं, हम अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को समझें, अपने धर्म का सम्मान करें और अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करें, ये हमारा कर्तव्य होता है। इस्लाम धर्म के पांच सिद्धांत कर्म क्या है? इस्लाम धर्म के पांच कर्मों का सिद्धांत है, क्या क्या है? पहला सुनेंगे। पहला है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा क्या है? रोजा। चौथा क्या है? हज। अब पांचवा क्या है? जकात। जकात याद रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको। मुसलमान धर्म के पांच कर्म सिद्धांत हैं। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं उसको नोट कर लेंगे और ध्यान से सुनेंगे, उस पर ध्यान भी देंगे और अपने जीवन में इसको स्मरण भी करेंगे। पहला है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, चौथा क्या है? हज, और पांचवा क्या है? जकात। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इसका उत्तर होगा महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी। और ये पहले भी आप लोग सुन चुके हो, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है? इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? तो कुरान। क्या है? कुरान। और हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तक क्या है? गीता रामायण। गीता और रामायण, ये हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तक है। उसी तरह से मुसलमान धर्मों का पवित्र पुस्तक है कुरान। इस पर आप लोग ध्यान देंगे और इसके विषय में हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग
इसका अमल करेंगे और अपने जीवन में इसको उतारेंगे, लाएंगे। आप लोग हमेशा सच्चाई की तरफ चलने की कोशिश करें।